और मेरे भाई लोग सब बढ़िया। दोस्तों, क्या आपके टीचर ने कभी आपको पूरे क्लास के सामने जलील किया है, या फिर क्या आपकी क्रश ने आपको कभी आटा पिसवाते हुए देख लिया है, या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ना एक पार्टी में गए हो और वहां पे आपको बार बार ये महसूस हो रहा है कि आप ना वहां पे सबसे ज्यादा देहाती लग रहे हो, बाकी सब सही लग रहे हैं लेकिन आप किसी रीजन से देहाती लग रहे हो। अब ऐसे केसेस में हम लोग ना दिन भर सोच रहे होते हैं कि यार मेरे क्लासमेट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, टीचर ने मुझे पूरे क्लास के सामने जलील किया, अब इसी मोमेंट को याद करके मेरे दोस्त मजा ले रहे होंगे दिन भर, यार मेरी क्रश ने मुझे आटा पिसवाते हुए देख लिया, कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, यार इस पार्टी में सबसे ज्यादा देहाती मैं ही लग रहा हूं, लोग मुझे ही घूर रहे होंगे, मेरे बारे में सोच रहे होंगे, मुझे जज कर रहे होंगे, मुझे इवेल्युएट कर रहे होंगे। तो बस यही टेंडेंसी कि लोग मुझे पे नजर रख रहे होंगे या मुझे ही देख देख करके मेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को याद कर करके मुझे जज कर रहे होंगे, मुझे इवेल्युएट कर रहे होंगे, कहलाते हैं दोस्तों द स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या? द स्पॉटलाइट इफेक्ट। और इस टर्म को कॉइन किया था दोस्तों एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर टॉम जिलोविच ने। और इस टाइप की इनसिक्योरिटी ना लगभग हर किसी को है। मान लो मैं किसी लड़की के साथ डेट पे गया और अब मैं लगातार जोक्स क्रैक कर रहा हूं, लेकिन यार मैं नोटिस कर रहा हूं कि बंदी को कहीं पे भी हंसी नहीं आ रहा है। अब इसी वजह से मेरे दिमाग में ना एक टाइप का एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगा कि यार क्या मैं इतना अनफनी हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना वाहियात है कि बंदी को कहीं पे भी हंसी नहीं आ रहा है, लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और वहीं पे लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है, यार नवीन कब से जोक्स क्रैक कर रहा है लेकिन मुझे कहीं पे भी हंसी नहीं आ रहा है, नवीन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि यार इस लड़की को पंच लाइंस पकड़ना नहीं आता, इसको ह्यूमर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बंदी स्मार्ट नहीं है जो मेरे पंच लाइंस को पकड़ नहीं पा रही है, शायद मैं खुद ही इतनी अनफनी हूं कि मुझे नवीन के जोक्स पे हंसी नहीं आ रहा है। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यार लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और लड़की को लग रहा है कि नवीन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मुझे जज कर रहा होगा, यानी कि इससे पहले कि सामने वाला इंसान आपको जज कर पाए उससे पहले खुद अपनी जिंदगी में इनसिक्योर है, अपने खुद के परेशानियों में उलझा हुआ है। अब मैं आपको अपने स्कूल का एक किस्सा बताता हूँ जो कि सच में मेरे साथ हुआ था। चांद सर करके ना मेरे एक टीचर थे, वो ना मुझे मेरे वाहियात हैंडराइटिंग की वजह से ऑलमोस्ट थप्पड़ मार ही रहे थे कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा, सर प्लीज सर बाहर मार लेना सर, बस यहाँ लड़कियों के सामने मत मारना सर प्लीज। तो कर रहे ना हरकत हम लोग बिल्कुल मिस्टर बीन की तरह। तो ये है दोस्तों द स्पॉटलाइट इफेक्ट। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इस टाइप की इनसिक्योरिटी, इस टाइप के टेंडेंसी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा दोस्तों कि हम इंसान हैं, तो इस टाइप के टेंडेंसी को हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, थोड़ा तो रहेगा ही हमारे अंदर। हाँ, हम इसके इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और वो कैसे? तो पहला ट्रिक तो ये है दोस्तों कि हमें समझना होगा कि दुनिया से हम हैं, हमसे दुनिया नहीं है। हाँ, मैं अपने जिंदगी का मेन कैरेक्टर हूं लेकिन दूसरे की जिंदगी का तो नहीं ना, तो इंसान मेरे बारे में दिन भर क्यों सोचे। ठीक है ना यार, आज मैं जलील हो गया क्लास में सबके सामने, काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट था, अब इस बात को 2400 घंटे सोच सोच के मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब उन लोग घर जाके मेरी इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को याद थोड़ी ना कर रहे होंगे यार, उनके हजार परेशानियां हैं अपनी लाइफ में, उनके लाइफ में और भी कुछ है करने को, वो हादसा मेरे साथ हुआ इसलिए मैं उस चीज को दिन भर याद कर रहा हूं, लेकिन उन लोग वहां पे वो सब देखे सुने और भूल गए, गलती से घर में याद आ जाएगा तो आ जाएगा, बाकी उन लोग घंटा याद नहीं कर रहे हैं दोस्तों इस चीज को, जिसको लेके तुम बार बार मर रहे हो, जिसको सोच सोच के तुम बार बार पागल हो रहे हो। दूसरा ट्रिक यह है दोस्तों कि आपको समझना होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं है, इस टाइप की इनसिक्योरिटी हर किसी को है दुनिया में। जिस पार्टी में जाके आपको एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि यार सबसे देहाती मैं ही लग रहा हूं, हो सकता है वहां आपके जैसे 15 लोगों को भी यही फीलिंग आ रहा होगा। तो जो डर आपको है उसी किस्म का डर बाकियों को भी है, सब अपने में मर रहे हैं तो आपको क्या जज करेंगे उन लोग। देखो एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त प्रेजेंटेशन दे रहा था स्टेज पे जाके कॉलेज में, कि यार नवीन कहीं मेरे चेहरे से झलक तो नहीं रहा था कि मैं नर्वस हूँ, मेरी फटी पड़ी है। तो मैं बोला यार मेरी खुद की जान फटी हुई है कि तेरे जज्बात मेरा टर्न आने वाला है, तो इसलिए मैं बस देखा कि तू प्रेजेंटेशन दे रहा है, बाकी अपने आप में ही खो गया, रिवाइज करने में लग गया कि मैं क्या बोलूंगा कैसे करूंगा। तो समझ रहे हो कहीं ना कहीं हम सब इस चीज में फंसे हुए हैं, तुम कोई अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो इतना टेंशन लिए पड़े हो। तीसरा ट्रिक यह है दोस्तों कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे दोस्त, जो कोई भी इंसान आपको जज करना ही चाहता है ना, वो आपको जज करके ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप उसके सामने अच्छे से पेश आओगे तो उसको लगेगा कि यार कि अच्छा बनने का एक्टिंग कर रहा है, या फिर नेचुरली बिहेव करोगे जैसा कि आप हो
तो फिर बोलेगा यार ये तो है ही चूतिया, इसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो यही बात है दोस्त, सामने वाला इंसान आपके बारे में कैसे सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है कि नेगेटिवली सोचता है, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उन लोग वही सोचेंगे जो कि वो सोचना चाहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, यार पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब मारो इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और कोई जरूरत नहीं ज्यादा हताश होने की कि मैं आज अच्छा नहीं लग रहा हूं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, घंटा किसी के पास टाइम नहीं है यार, सबके सब अपनी जिंदगी में परेशान है, अपने में ही मर रहे हैं। हास्ता ला विस्ता।